नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तो मई का महीना शुरू हो चुका है। दोस्तों इस समय आप बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, सामान वाले वेजिटेबल्स। उनमें ही एक है रिज गॉर्ड, जिसे हम लोग झींगे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके ही केयर और मैं इसके प्लांटेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को साथ शेयर किया हूँ, मैं छत के ऊपर एक बेड बनाया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 फुट बाई 5 फुट के ऐसे आसपास होगा ये। तो इसके अंदर ही मैं रिज गॉर्ड को ग्रो किया हूँ। मेरे पास 2 प्लांट है, मैं इसको सीड से ग्रो किया हूँ। सीड से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो पहले तो मैं इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर कर लेता हूँ। हालांकि ये जो मेरा मिट्टी है ये बहुत पुराना मिट्टी है, दो तीन साल पहले ही मैं इस बेड को बनाया था। तो तब मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ किया था वो 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 30% मैं कॉम्पोस्ट यूज़ किया हूँ। तो जैसे कि मैं हर वेजिटेबल प्लांट्स के लिए करता हूँ, वही मैं इस प्लांट के लिए भी सेम पॉटिंग मिक्स ही रखा हूँ। कॉम्पोस्ट के लिए मैं काउडंग या फिर वर्मी कॉम्पोस्ट का ही ऐड करता हूँ। आप इनमें से कोई किसी एक का ऐड कर सकते हो। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके सीडलिंग के बारे में। मैं इसको सीड से ग्रो किया हूँ, जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। सीडलिंग करने का बेस्ट टाइम होता है फेब्रुअरी के एंड में। आप फेब्रुअरी के एंड में अगर आप सीडलिंग कर देते हो, विद इन 10 डेज के अंदर नए ऐसे छोटे से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है। विद इन 2 मंथ्स के अंदर प्लांट पे फ्लावरिंग आना चालू हो जाता है, और फ्लावरिंग आने के 20 दिन के अंदर रिज गॉर्ड जो होता है वो हार्वेस्ट के काबिल हो जाता है। दोस्तों मेरे प्लांट तो अभी बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैं इसको शेड के ऊपर चला दिया हूँ और शेड के ऊपर बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे रिज गॉर्ड मेरे बन चुके हैं, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। दोस्तों उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये समर सीजन वाले प्लांट्स है इसलिए इसको वाटरिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। दिन में 2 बार वाटरिंग करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये फुल सनलाइट पर रहता है इसलिए। दोस्तों इस प्लांट पे मार्च के एंड से ही तो रिज गॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। अप टू सितंबर तक, मतलब बरसात के अंत तक ये प्लांट से आपको प्लांट्स मिलते रहेगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। मैं इसको हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे मास्टर के का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालता रहता हूँ, जैसे कि मैं सभी प्लांट्स पर करता हूँ वही पे इस प्लांट पर भी देता रहता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे जो प्लांट्स हैं उसका जो स्टेम है देखिए बहुत ही अभी मोटा हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना तो हुआ नहीं है, 1.5 महीना ही हुआ है मेरे इस प्लांट को लगाए। बेड के अंदर मैं और भी बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखा हूँ। तो दोस्तों रिज गॉर्ड सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन, जिंक, पोटाशियम रहता है, और इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल एकदम नहीं रहता है। तो आप ये वेजिटेबल्स खा सकते हो, सभी के लिए बहुत ही उपकारी होता है ये। इसके अलावा भी इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी रहते हैं। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो आप, मेरे इस प्लांट को अभी बहुत बड़ा हो चुका है, और इसमें तो देखिए बहुत सारे फ्लावरिंग होता है ये देखिए, लेकिन उस फ्लावर से वेजिटेबल्स एक या दो ही बनते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए एक बना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभी बन रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन प्लांट अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर भी एक, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे अभी बन रहे हैं। तो आप इसके लिए एक छोटा सा शेड बना दीजिए, जिसके ऊपर ये अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए। शेड के ऊपर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको अभी ऊपर से दिखा रहा हूँ, देखिए इधर से भी, ये देखिए बहुत सारे अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए बहुत सारे अभी बन रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और फ्लावरिंग भी देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुत सारे अभी फल बन रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था एक छोटी सी जानकारी रिज गॉर्ड प्लांट के बारे में। और अगर आप अभी भी इस प्लांट को आपके गार्डन में नहीं लगाया है तो जल्दी से लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक वेजिटेबल्स प्लांट है, हम लोगों के सेहत के लिए बहुत ही उपकारी होता है ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।